गाइस ये हमारा कॉलेज है एंड अभी आप देख सकते हो मैं कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ, अभी देखते हैं चलते हैं। तो पूरा दर्शन करके ना इतना मस्त मज़ा आ गया मेरे को तो अच्छा। और मैंने अभी इधर की साइड से आपके लिए एक वो भी दिया है, मतलब आगे आरती मिल गई थी तो मैंने आरती YouTube चैनल इन द अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ सॉरी, क्योंकि मैं इतना कंटिन्यू कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ, कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। वीक में एक बार आ रहा है ब्लॉग या फिर दो वीक में एक बार आ रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। अभी मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, रुक रुक के कर रहा हूँ मतलब थोड़े थोड़े दिन में। बट हाँ, बहुत जल्दी इसी चैनल पर आपको कंटिन्यू कंटेंट मिलेंगे और मस्त मस्त कंटेंट मिलेंगे, इतना जरूर प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरा कॉलेज के ऊपर एंड मैं जा रहा हूँ आज कॉलेज, मतलब आज जाऊँगा उज्जैन एंड फिर कल जाऊँगा मैं कॉलेज। हाँ सो मैं कल जाऊँगा कॉलेज, आपको कॉलेज भी बताऊँगा इस बार। एंड कॉलेज का कोई दोस्त आता तो फिर मैं मिलवाता हूँ आपको वहीं, बिकॉज हम थोड़े आलसी हैं। मैं बताऊँगा आलसी क्यों मैंने यूज़ किया ये। तो अभी हम चलते हैं कॉलेज की ओर, तो मतलब उज्जैन के लिए, फिर हम वहाँ से आएंगे कॉलेज। चलो फिर चलते। लिटरली मैं कॉलेज है ना इतने दिन बाद जा रहा हूँ ना, बहुत दिन बाद जा रहा हूँ, मतलब बहुत पहले गया था आज से एक आध महीने पहले, फिर अभी थोड़ा कोरोना केस मिल गए थे तो कम हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करा था चैनल पे, बट आज मैं ब्लॉगिंग करूँगा पूरा एंड मैं जितना हो सकेगा ना उतना कैप्चर करके बताऊँगा कॉलेज किधर का लोकेशन है, कैसा कॉलेज है, मैं पूरा बताऊँगा इस ब्लॉग में, तो बने रहना। चलो तो फिर चलते हैं। इट्स योर शुभम रोहित। फाइनली अभी मैं आ गया हूँ कॉलेज के लिए, भी देखते हैं अपन चल रहे हैं अंदर। एंड अभी सबसे पहले तो मेरा जो काम है वो मेरे को निपटाना है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। एंड मैंने जो बोला था ना आलसी शब्द, वो इसलिए बोला था क्योंकि मैं सबसे लेट हूँ, सारे दोस्तों ने फॉर्म जमा कर दिया। भाई आज कोई भी नहीं आया, मैं अकेला जैसा आया हूँ कॉलेज में। अब जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करते हैं फिर मिलता हूँ मैं आपसे। चलो फॉर्म अप्रूव करवाना गाइस, ये रखा है, अब मैंने अप्रूव करवा लिया है, अभी जस्ट जाके भी एग्जामिनेशन की फ़ीस कटवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक बार कॉलेज घुमाऊँगा। बट पहले मेरा काम कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। एक दोस्त मिल गया था बट वो अभी उसका जमा करवा रहा है, वो जैसे ही जमा करवाता है रुकता है तो मैं आपको पक्का मिल पाऊँगा। और अभी जल्दी से चलते हैं, जमा करते हैं मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं। गाइस ये हमारा कॉलेज है एंड अभी आप देख सकते हो मैं कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ, अभी देखते हैं चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, नेक्स्ट डे सेम ब्लॉग एंड सॉरी मैं पूरा कॉलेज नहीं बता पाया, क्योंकि बहुत सारे सोच रहे होंगे भाई कॉलेज का थोड़ा सा बता के फिर एकदम से आ गया। सो हाँ, बिकॉज अभी कॉलेज बंद हो चुका था, मैं गया था एंड मैं ऑलरेडी इतना लेट हो गया था ना कि कॉलेज बंद हो गया, मैंने एग्जाम फॉर्म वगैरह जमा करे देन आफ्टर कॉलेज बंद हो गया था, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, मैं लेट भी बहुत हो गया था। बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं आपको कॉलेज पूरा दिखाऊंगा। एंड आज प्लान है मेरा महाकाल मंदिर जा रहा हूँ मैं एंड उज्जैन आता हूँ मैं, जब हमेशा महाकाल बाबा के दर्शन करने जरूर जाता हूँ। सो आज मैंने सोचा अपनी ऑडियंस अपनी पब्लिक को भी लेके चलता हूँ मैं। सो आप सबको भी दर्शन करवाऊँगा आज महाकाल बाबा के एंड चलते हैं। एंड पॉसिबल हुआ तो मैं अंदर से शूट करूँगा पूरा एंड चलो तो फिर चलते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं। अभी आए हुए हैं हम रामघाट पे फैमिली एंड मैं आपको पूरा बताता हूँ रामघाट एंड रामघाट बहुत ही फेमस है उज्जैन में। एंड चलो तो फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी हमको शूट करना है, अभी इसका भी शूट करना है, इसको शूट करेंगे हम, वीडियो रील बनाएंगे इसकी एंड फिर मेरा भी थोड़ा एक दो रील शूट करूँगा एंड फिर उसके बाद मिलते हैं। चल रहे फोटो क्लिप गाइस, सनसेट हो चुका है, बहुत मस्त फोटो निकल रहे हैं, अभी मैं भी क्लिक करवाऊंगा।
पूरा दर्शन करके ना इतना मस्त मजा आ गया मेरे को तो अच्छा। और मैंने अभी इधर की साइड से आपके लिए एक वो भी दिया है, मतलब आगे आरती मिल गई थी तो मैंने आरती का भी पूरा शूट किया है जो आपको देख लिया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ मतलब जो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पुरानी है, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। चलो फिर चलते हैं। ये सिद्धि विनायक मंदिर है यहाँ का और बहुत ही प्रसिद्ध। आपको ले चलता हूँ एक ऐसे मंदिर पे जहाँ की मतलब प्राचीन मंदिर है साक्षी गोपाल जी का, मैं वहाँ पे ले चल रहा हूँ आपको। तो चलो, ये साक्षी गोपाल जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दर्शन भी मैं करवाता हूँ। देव गोपाल जी की हम चलते हैं बाहर, बाहर जा रहे हैं अभी। पूरा मैंने मतलब अधिकतर सारा रिकॉर्ड किया है इसमें और मेरा वॉइस कम आ रहा हो तो उसको माफ़ करिए। अभी इधर मंदिर में तो शोर शराबा तो ज़्यादा हो गई थी आप लोग।